हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्स एमबीए एमसीए। देखिए, अभी हमने नया टॉपिक शुरू किया है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, और उसमें सब टॉपिक हम देख रहे हैं ग्राफ थ्योरी का। और आज का अपना टॉपिक रहेगा आइसोमॉर्फिज्म ऑफ टू ग्राफ्स। तो स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, आइसोमॉर्फिज्म, आइसो मतलब सेम और मॉर्फ यानी कि स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब इस तरीके से ग्राफ के जिनका स्ट्रक्चर क्या हो, यहाँ पे सेम हो, तो इस तरीके से ग्राफ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि दो ग्राफ्स आपको दिए रहेंगे और अपने को चेक करना है कि दोनों जो ग्राफ्स है वो आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है, यानी कि उनका स्ट्रक्चर सेम है कि नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते कि आइसोमॉर्फिज्म होता क्या है। देखिए, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? एन आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन टू ग्राफ्स इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन बिटवीन देयर वर्टेक्स सेट दैट प्रिजर्व्स एडजेसेंसी, दैट इज इट्स अ वे ऑफ मैचिंग अप द वर्टाइसेस ऑफ वन ग्राफ विद द वर्टाइसेस ऑफ अनदर ग्राफ सच दैट द स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्शंस बिटवीन वर्टाइसेस रिमेन्स द सेम। इफ सच अ फंक्शन एग्जिस्ट द ग्राफ्स आर कंसिडर्ड आइसोमॉर्फिक। ठीक है, तो चलिए ये जो डेफिनेशन है मैं आपको एग्जाम्पल्स थ्रू अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, अपना ये पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए दो ग्राफ्स दिए हुए हैं। यहाँ पे मैं इस ग्राफ को बोल लेती हूँ G1 और इस ग्राफ को बोल लेती हूँ G2। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस देखिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, और ये जो सेकंड ग्राफ आप देख रहे हो G2, यहाँ पे भी देखिए वर्टाइसेस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं दोनों ग्राफ्स में, 8 है। ठीक है, यहाँ पे देखना है कि ये जो दोनों ग्राफ्स है वो आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है। अभी देखने में तो दोनों ग्राफ क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स हमें यहाँ पे चेक करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना रहता है कि G1 में टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं और G2 में टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट स्टेप रहेगा। सेकंड स्टेप क्या होता है आइसोमॉर्फिज्म देखने के लिए, कि यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं और सेकंड ग्राफ में भी टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप हमें चेक करनी है कि देखिए यहाँ पे जो हर एक वर्टेक्स रहता है, हर एक वर्टेक्स के जितने भी एडजेसेंट वर्टाइसेस है, तो एडजेसेंट वर्टाइसेस की डिग्री कितनी है वो भी हमें यहाँ पे चेक करनी है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या करेंगे, उनका कनेक्शन करेंगे। अगर कनेक्शन बराबर आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे उस केस में, वो दोनों ग्राफ क्या है, आइसोमॉर्फिक। ठीक है, तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अभी देखिए जो अपना फर्स्ट ग्राफ है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन G1 कितना है, 8। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 वर्टाइसेस है इन G2। तो यहाँ पे भी मैं लिख लेती हूँ नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन G2, वो भी कितने हैं, 8 है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन G1 इज इक्वल टू 8 और नंबर ऑफ वर्टाइसेस G2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं। अभी यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट। तो G1 में कितने एजेस हैं, 10 एजेस है, और यहाँ पे अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ G2 ग्राफ में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि दोनों ग्राफ्स में टोटल नंबर ऑफ एजेस सेम है, कितने हैं वो, 10 है। तो मैं यहाँ पे वो नंबर लिख के लेती हूँ, नंबर ऑफ एजेस इन G2। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे जो अपना फर्स्ट स्टेप आता है आइसोमॉर्फिज्म चेक करने के लिए कि टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस दोनों ग्राफ में सेम होने चाहिए, वो फुलफिल हो गया, राइट। अभी सेकंड स्टेप अपने को यहाँ पे फॉलो करनी है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों ग्राफ्स में टोटल नंबर ऑफ एजेस भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए।
तो यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, दोनों ग्राफ्स के एजेस यहाँ पे चेक कर लिए, वो भी क्या आ गए, सेम आ गए, राइट। तो यहाँ पे अपने मतलब चार स्टेप्स अपने को यहाँ पे चेक करने हैं, चार में से दो स्टेप्स अभी यहाँ पे फुलफिल हो गए हैं, ठीक है। अभी देखिए थर्ड स्टेप अपने को यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, हर एक वर्टेक्स के लिए हमें उसकी डिग्री फाइंड आउट करनी रहती है। तो प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बताया था कि हर एक वर्टेक्स की डिग्री कैसे निकाली जाती है। देखिए अभी फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया है वर्टेक्स ए, ठीक है। तो उस पर जितने भी इंसिडेंट एजेस रहते हैं वो जो टोटल काउंट रहेगा वो क्या रहेगी, उस वर्टेक्स की डिग्री रहेगी। अभी यहाँ पे देखिए ये जो वर्टेक्स है ए, यहाँ पे कितने एजेस इंसिडेंट है, देखिए 1, 2, 3, तो ए की डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई, राइट। सेम तरीके से बी की डिग्री देखिए कितनी हो गई, 1, 2, राइट। तो थर्ड स्टेप अपना क्या रहेगा, अपने को दोनों ग्राफ में क्या करना है, हर एक वर्टेक्स की डिग्री निकालनी है। ये जो वर्टेक्स ए है उसकी डिग्री कितनी है, देखिए 1, 2, 3, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 3, ठीक है। अभी देखिए बी, बी की डिग्री कितनी है, 1, 2, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2। अभी देखिए ई, ई की डिग्री कितनी है, 1, 2, 3, यहाँ पे मैं ब्रैकेट करके लिख लेती हूँ, ठीक है। एफ की डिग्री देखिए 1, 2, सी की डिग्री देखिए 1, 2, 3, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। एच की डिग्री कितनी है, 1, 2, जी की डिग्री देखिए 1, 2, 3, राइट। सेम तरीके से हम निकालेंगे जी टू ग्राफ के लिए। यहाँ पे देखिए वी की डिग्री कितनी है, 1, 2, इसकी डिग्री देखिए 1, 2, 3, टी की डिग्री कितनी है, 2, डब्ल्यू की डिग्री देखिए कितने एजेस इंसिडेंट है, 1, 2, 3, यानी कि 3 है इसकी डिग्री। यहाँ पे देखिए ये पी है, पी की डिग्री कितनी है, 2, क्यू की डिग्री कितनी है, 3, आर की डिग्री देखिए 1, 2, और एस की डिग्री कितनी है, 1, 2, 3, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने क्या किया, अपना जो वर्टेक्स था हर एक वर्टेक्स की मैंने डिग्री यहाँ पे लिख के ली। अभी ये बारे में अपना जो टेबल फॉर्मेट बना है उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके लेती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए 3 यहाँ पे देखिए डिग्री कितनी है, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, राइट। यानी कि 3 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 4 times 3 आ रहा है, और 2 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 4 times अपना 3 आ रहा है, 4 times अपना 2 आ रहा है, राइट। अगर हम सेकंड ग्राफ में चेक करते हैं तो देखिए 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 times 3 आ रहा है, और यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 4 times यहाँ पे 2 और 4 times 3 आ रहा है, राइट। यानी कि अगर हम यहाँ पे कनेक्टिविटी करते हैं, राइट, तो यहाँ पे टोटल नंबर वर्टाइसिस भी सेम है, टोटल नंबर ऑफ एजेस भी सेम है, और यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं कि मतलब यहाँ पे चार वर्टाइसिस ऐसे हैं जिनकी डिग्री 3 है, और चार वर्टाइसिस ऐसे हैं जिनकी डिग्री 2 है दोनों ग्राफ्स में, राइट। अभी देखिए लास्ट स्टेप अपना क्या है, यहाँ पे देखिए जो मैंने वर्टेक्स लिखे हैं दोनों ग्राफ में, तो मैं क्या करूँगी, अभी ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, हर एक वर्टेक्स की डिग्री लिखी, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अपना जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, ये जो वर्टेक्स है हर एक वर्टेक्स के एडजेसेंट वर्टाइसिस में फाइंड आउट करूँगी, और एडजेसेंट वर्टाइसिस की डिग्री मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर वो भी सेम आती है तो हम क्या बोलेंगे कि ये ग्राफ क्या है, आइसोमॉर्फिक है। अभी यहाँ पे देखिए वर्टेक्स ए के एडजेसेंट वर्टाइसिस कौन कौन से है, बी है, ई है और डी है। तो ये जो एडजेसेंट वर्टाइसिस है उनकी डिग्री मैं लिखूंगी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए बी की डिग्री कितनी है, 2, और ई की डिग्री कितनी है, 3, और डी की डिग्री कितनी है, 2, यानी कि ए के एडजेसेंट वर्टाइसिस है बी, ई, डी, और उनकी डिग्री है 2, 3, 2। मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेती हूँ, तो ये कैसे हो जाएगा, 3, 2 और 2, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया मैंने, मतलब वो कैलकुलेशन के लिए ईजी जाएगा, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट वर्टेक्स क्या है, बी। अभी आप यहाँ पे देखिए बी के एडजेसेंट वर्टाइसेस कौन से हैं, ए और सी। एडजेसेंट वर्टेक्स की डिग्री यहाँ पे देखिए कितनी है, 3 है और 3 है, तो मैं यहाँ पे 3, 3 लिख के लेती हूँ, ठीक, 3, 3। अभी नेक्स्ट वर्टेक्स देखिए, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है और एच है। देखिए मैं हर एक वर्टेक्स के एडजेसेंट वर्टाइसिस की, जितने भी एडजेसेंट वर्टाइसिस रहेंगे उनकी डिग्री लिख रही हूँ मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, 3, 3। ई के लिए देखिए क्या है, ई के लिए कितने वर्टाइसिस एडजेसेंट है, ए है, एफ है और एच है। तो
यहाँ पे देखिए 3 2 2, एफ के लिए दो वर्टाइसेस एडजेसेंट है, ई है और जी है, और दोनों की डिग्री कितनी है 3 3। जी के लिए 3 वर्टाइसेस एडजेसेंट है 3 2 2, और एच उसको भी 2 वर्टाइसेस एडजेसेंट है और उनकी डिग्री है 3 3। सेम तरीके से मैं लिखूंगी ग्राफ जी टू के लिए। आर के लिए 3 और 3, एस के लिए 3 वर्टाइसेस एडजेसेंट है और उनकी भी डिग्री है 3 2 2। टी के लिए 2 वर्टाइसेस एडजेसेंट है और दोनों की डिग्री है 3 और 3। यू के लिए 3 वर्टाइसेस एडजेसेंट है 3 2 2, वी के लिए 3 और 3, और डब्ल्यू के लिए 3 वर्टाइसेस एडजेसेंट है यहाँ पे 3 2 2। देखिए यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया, जितने भी वर्टाइसेस हैं उनकी एडजेसेंट वर्टाइसेस की डिग्री हमने फाइंड आउट की है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे 4 वर्टाइसेस ऐसे जिनकी डिग्री कितनी है 3 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 3 3 3, और उनके एडजेसेंट वर्टाइसेस की डिग्री देखिए कितनी आ रही है 3 2 2। यहाँ पे भी देखिए 3 2 2, यहाँ पे भी देखिए 3 के 3 2 2, यहाँ पे भी 3 2 2। अगर हम सेकंड ग्राफ में चेक करते हैं जिनकी डिग्री ऐसे वर्टाइसेस जिनकी डिग्री 3 है, यहाँ पे भी देखिए इसकी 3 है 3 3 3, राइट। तो यहाँ पे देखिए 3 2 2 3 2 2, यहाँ पे भी देखिए 3 2 2, और यहाँ पे भी 3 2 2, राइट। सेकंड थिंग अभी चेक करेंगे ऐसे वर्टाइसेस जिनकी खुद की डिग्री क्या है 2 है, राइट, और उनके एडजेसेंट वर्टाइसेस की डिग्री देखिए क्या आ रही है 3 3, यहाँ पे भी देखिए 3 3, ये देखिए 2 है, और एडजेसेंट वर्टाइसेस की डिग्री देखिए क्या है 3 और 3, यहाँ पे भी 3 3। सेकंड ग्राफ में देखिए 3 3, राइट, आप देख सकते हो, राइट। यानी कि यहाँ पे मतलब ये जो चारों स्टेप्स है, टोटल नंबर ऑफ एजेस, टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन बोथ द ग्राफ्स, राइट, उसके बाद में हर एक वर्टेक्स की डिग्री हमने यहाँ पे देखी, और फोर्थ स्टेप हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि जो एडजेसेंट वर्टाइसेस है उनकी डिग्री भी यहाँ पे मैच हो रही है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे देखा कि ऐसे वर्टाइसेस जिनकी डिग्री 2 है तो एडजेसेंट वर्टाइसेस की डिग्रीज भी यहाँ पे दोनों ग्राफ्स में सेम आ रही है, राइट, और ऐसे वर्टाइसेस जिनकी खुद की डिग्री 2 है तो उनके एडजेसेंट वर्टाइसेस की भी डिग्री दोनों ग्राफ्स में सेम आ रही है, राइट। इसलिए देखिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ग्राफ G1 एंड G2 आर आइसोमॉर्फिक। आ गया समझ में? देखिए यहाँ पे सिंबल कैसा होता है, G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G2। आ गया समझ में? आइसोमॉर्फिज्म का और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, सो दैट आपको मतलब ये जो कंसेप्ट रहेगा वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम, गिवन ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है। ठीक है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक। अभी देखिए यहाँ पे 2 ग्राफ्स दिए हैं, G1 और G2। अभी देखिए यहाँ पे टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हमें देखना है कि दोनों ग्राफ जो है वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस इक्वल है कि नहीं है। अभी यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट ग्राफ है अपना G1, यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, राइट, और सेकेंड ग्राफ में देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है अपनी, दोनों ग्राफ्स में टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने होने चाहिए, सेम होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप अपनी फुलफिल हो रही है। अभी सेकंड स्टेप अपने को चेक करना है कि टोटल नंबर ऑफ एजेस दोनों ग्राफ्स में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, 1, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट, 12 एजेस है। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस है, राइट, यानी कि दोनों भी ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ एजेस भी सेम है, राइट। तो देखिए हम सॉल्यूशन में अभी क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन G1 एंड G2 कितना आ गया, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं दोनों ग्राफ्स में, 7 है, यानी कि फर्स्ट स्टेप अपनी कंप्लीट हो रही है, फुलफिल हो रही है, राइट। सेकंड स्टेप में हमें चेक करना रहता है कि दोनों ग्राफ्स में टोटल नंबर ऑफ
एजेस सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, दोनों ग्राफ्स में टोटल नंबर ऑफ एजेस सेम आ रही है, कितनी है 12 है। ये होगी सेकंड स्टेप। अभी देखिए थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, हर एक वर्टेक्स की यहाँ पे डिग्री फाइंड आउट करनी है। अभी यहाँ पे देखिए ए की डिग्री देखिए कितनी है, 1 2 3 3 है। डी की डिग्री देखिए 1 2 3 4। जी की डिग्री देखिए कितनी है, 1 2। जितने एजेस कनेक्टेड रहते हैं ना उस वर्टेक्स से, वो क्या रहती है, उसकी डिग्री रहती है। अभी देखिए एफ की डिग्री कितनी रहेगी, 1 2 3 4 5, राइट। ई की डिग्री देखिए 2 आ जाएगी। सी की डिग्री देखिए 1 2 3 4, और वी की डिग्री यहाँ पे कितनी आएगी, 4 आएगी। ठीक है, यहाँ पे भी सेम तरीके से हम डिग्री निकाल लेंगे। इसकी डिग्री आएगी 2, इसकी देखिए 1 2 3 4 5। आर की डिग्री कितनी आ गई, 5। बी की डिग्री देखिए कितनी आएगी, 2। यू की डिग्री देखिए 1 2 3 4। टी की डिग्री देखिए 1 2 3 4। एस की डिग्री आएगी 2, और क्यू की डिग्री देखिए 1 2 3 4 5। क्यू की डिग्री आ गई यहाँ पे 5। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये टेबल फॉर्मेट में ये इन्फॉर्मेशन अभी फिल करके लेते हैं। अभी देखिए ग्राफ G1 में कौन कौन से वर्टाइसेस है अपने पास, ए बी सी डी ई एफ और जी। और सेकंड ग्राफ में क्या क्या है, पी क्यू आर एस टी यू और वी। अभी देखिए यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है हर एक वर्टेक्स की डिग्री। ठीक है, तो मैं ए की डिग्री यहाँ पे सब वर्टाइसेस की डिग्री लिख के लेती हूँ। ए की डिग्री अपने को मिली है 3, बी की मिली है 4, सी की कितनी आई है 4, डी की है 4, ई की अपने को मिली है 2, एफ की है 5 और जी की है 2। और सेकंड ग्राफ में पी की डिग्री है 2, क्यू की 5 है, आर की भी 5 है, एस की आ गई है 2, टी की है 4, यू की है 4 और वी की क्या है, 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हो गई, सेकंड स्टेप हो गई, थर्ड स्टेप अपने को क्या चेक करना है यहाँ पे, कि डिग्री क्या आ रही है वर्टेक्स की। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए तीन वर्टाइसेस ऐसे हैं कि जिनकी डिग्री कितनी आ रही है, 4 आ रही है, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे दो ही वर्टाइसेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री कितनी आ रही है, 4 आ रही है। यहाँ पे कितने वर्टाइसेस है, 3 वर्टाइसेस है, और यहाँ पे दो ही वर्टाइसेस है जिनकी डिग्री 4 आ रही है, राइट। सेकंड थिंग और एक देखिए, यहाँ पे ऐसे एक ही वर्टेक्स है जिसकी डिग्री कितनी है, 5 है। और आप यहाँ पे देख सकते हो ग्राफ G2 में, यहाँ पे देखिए दो वर्टाइसेस ऐसे जिनकी डिग्री कितनी है, 5 है, राइट। मतलब यहाँ पे अगर हमें मैपिंग करना है ग्राफ G1 में जितने भी वर्टाइसेस हैं उनको अगर मैप करते हैं ग्राफ G2 के वर्टाइसेस से, तो यहाँ पे हम मैपिंग नहीं कर सकते। मैपिंग किसके साथ होती है, जिसकी डिग्री और एडजेसेंट वर्टाइसेस की डिग्री मैच हो, ऐसे ही वर्टाइसेस के साथ हम यहाँ पे मैपिंग करते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए ये वाला कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रहा है 4 का, और यहाँ पे 5 डिग्री वाले वर्टेक्स की डिग्री भी, मतलब ये भी कंडीशन यहाँ पे हम फुलफिल नहीं कर सकते, यहाँ पे मैपिंग नहीं हो पाएगा, राइट। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो दोनों ग्राफ्स है ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। आ गया समझ में? तो देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, इन ग्राफ G2 देयर आर टू वर्टाइसेस क्यू एंड आर ऑफ डिग्री 5, बट इन G1 देयर इज ओनली वन वर्टेक्स एफ ऑफ डिग्री 5, देयरफॉर G1 इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू G2, राइट। G1 is not isomorphic to G2. Verify whether the following graphs are isomorphic or not. ठीक है, अभी सबसे पहले हमें क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं दोनों ग्राफ्स में, वो चेक करने हैं। अभी सपोज मैं इस ग्राफ को बोल लेती हूँ, यहाँ पे देखिए ये मेरा ग्राफ है G1 और ये मेरा ग्राफ है G2। ठीक है, अभी देखिए G1 में कितने वर्टाइसेस है, 1 2 3 4 5 6, और G2 में देखिए 1 2 3 4 5 6 वर्टाइसेस है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेप यहाँ पे फुलफिल हो रही है। देखिए यहाँ पे 4 स्टेप्स होती है। पहला स्टेप क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस दोनों ग्राफ्स में सेम होने चाहिए।
सेकंड स्टेप होता है कि दोनों ग्राफ्स में टोटल नंबर ऑफ एजेस भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि हम हर एक वर्टेक्स की डिग्री यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं और उनके एडजेसेंट वर्टेसेस की डिग्री भी यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, यानी कि डिग्री सीक्वेंस हमें यहाँ पे सेम मिलना चाहिए, ठीक है। और फोर्थ स्टेप होता है मैपिंग का, यानी कि यहाँ पे हर एक वर्टेक्स दूसरे ग्राफ के कौन से वर्टेक्स के साथ हम मैपिंग कर सकते हैं वो भी हमें यहाँ पे चेक करना रहता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, फर्स्ट स्टेप तो यहाँ पे फुलफिल हो गई कि टोटल नंबर ऑफ वर्टेसेस यहाँ पे सेम ही है। अभी देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एजेस सेम आ रही है कि नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने एजेस है इसमें, 9 एजेस है। और यहाँ पे देखिए हर एक वर्टेक्स की देखिए डिग्री कितनी है, 3, तो यहाँ पे 3, 3, 3 कितना हो गया, 9, यानी कि दोनों ग्राफ्स में टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने आ रही है, 9 आ रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलूँगी मैं सॉल्यूशन में, बोथ द ग्राफ्स हैव इक्वल नंबर ऑफ वर्टेसेस एंड एजेस, वर्टेसेस कितने हैं, 6 है, और टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं दोनों ग्राफ्स में, 9 है, राइट। तो दोनों स्टेप्स यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं। अभी थर्ड स्टेप हमें यहाँ पे चेक करनी है। अभी देखिए थर्ड स्टेप निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक वर्टेक्स की यहाँ पे मैं सबसे पहले डिग्री फाइंड आउट कर लेती हूँ। अभी देखिए U1 की डिग्री कितनी है, 1, 2, 3, U2 की देखिए 1, 2, 3, इसकी देखिए कितनी आ रही है डिग्री, 3 है, इसकी भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और आप देख सकते हो कि इसकी भी 3 है, यानी कि ग्राफ G1 में जितने भी वर्टाइसेस हैं सबकी डिग्री कितनी आ रही है, 3 आ रही है। अभी हम चेक करेंगे ग्राफ G2 में, इसकी भी देखिए 1, 2, 3, V1 की डिग्री कितनी आ गई, 3, V2 की देखिए 1, 2, 3। डिग्री किसको बोलते हैं हम, उस वर्टेक्स से कितने एजेस कनेक्टेड है वो काउंट, यानी कि उसकी डिग्री होती है। यहाँ पे भी देखिए 3, इसकी भी 3 है, 3 है, 3 है, यानी कि सेकंड ग्राफ में भी हर एक वर्टेक्स की डिग्री आ रही है 3। अभी मैं देखिए यहाँ पे लिख लेती हूँ, हर एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी मिली अपने ये को, 3 मिली है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ये जो वर्टेक्स है हर एक वर्टेक्स के एडजेसेंट वर्टेसेस जिनके जितने रहेंगे उनके डिग्रीज फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है। अभी देखिए फर्स्ट हम देख लेते हैं U1। अभी देखिए U1 के एडजेसेंट वर्टेसेस की डिग्री से हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए कौन कौन से एडजेसेंट वर्टेसेस है उसके, U2 है, यहाँ पे देखिए U2, U4 और U6, तीन वर्टेसेस कनेक्टेड है और तीनों वर्टेसेस की डिग्री कितनी है, 3, 3, 3। उसके बाद में U2 के एडजेसेंट वर्टेसेस कौन कौन से हैं, U3, U5 और U4, और उनकी भी डिग्री कितनी आ रही है, 3, 3, 3। नेक्स्ट देखिए U3, एडजेसेंट वर्टेसेस कौन सा है, U4, U6 और U2, उनकी भी डिग्री कितनी है, 3, 3, 3। यानी कि हम यहाँ पे अगर देखते हैं कि हर एक वर्टेक्स की डिग्री भी 3 आ रही है और उनके एडजेसेंट वर्टेसेस की डिग्री भी कितनी आ रही है, 3, 3, 3। सेम तरीके से ग्राफ यहाँ पे देखिए G2 में हर एक वर्टेक्स की डिग्री 3 है, उनके जो एडजेसेंट वर्टाइसेस है एडजेसेंट वर्टाइसेस की भी डिग्री कितनी है, 3, 3, 3। देखिए V2 के लिए भी चेक करते हैं, तो एडजेसेंट वर्टेक्स कौन सा उसका, V4, V5, V6, और उनकी डिग्री कितनी है, 3, 3, 3। देखिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, एडजेसेंट वर्टाइसेस कितने हैं, 3, और उनकी भी डिग्री कितनी आ रही है, 3 ही आ रही है, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर एक वर्टेक्स की डिग्री 3 है और एडजेसेंट वर्टाइसेस की डिग्री भी 3 है सभी वर्टाइसेस की। तो देखिए यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ऑल वर्टाइसेस इन G1 एंड G2 आर ऑफ सेम डिग्री, देयरफॉर G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G2। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G2, राइट। तो ये आइसोमॉर्फिक है दोनों ग्राफ्स। आई होप कि आपको एग्जांपल अभी समझ में आ गया होगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट एग्जांपल अभी देख लेते हो और यहाँ पे हम ये वीडियो यहाँ पे वाइंड अप करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी कितने ग्राफ्स दिए हैं, 2 ग्राफ्स दिए हैं, राइट। अभी देखिए ये जो ग्राफ है यहाँ पे मैं इसको बोल लेती हूँ G1 और ये इसको बोलूँगी मैं G2। अभी देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 वर्टाइसेस है। और यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि दोनों ग्राफ्स में टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं, 7। अभी चलिए एजेस काउंट करते हैं सेकंड स्टेप, राइट। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, यानी कि 7 वर्टाइसेस है और एजेस भी कितने हैं ग्राफ्स में, 7। तो फर्स्ट स्टेप भी फुलफिल हो रही है, सेकंड स्टेप भी यहाँ पे भी फुलफिल हो रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं सॉल्यूशन में, टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हो गए, 7 है, और टोटल नंबर ऑफ एजेस दोनों ग्राफ में कितने हैं, 7 है। ठीक है, अभी देखिए हमें क्या थर्ड स्टेप में क्या करना रहता है, हर एक वर्टेक्स की डिग्री फाइंड आउट करनी रहती है। देखिए ए की डिग्री कितनी आ गई, 2। ए की डिग्री देखिए 1, 2, 3। एफ की डिग्री कितनी, 1। जी की कितनी, 1। डी की कितनी, 2। सी की, 2। यहाँ पे देखिए बी की कितनी आएगी, 1, 2, 3। ठीक है, जी टू में देखिए इसकी डिग्री कितनी आएगी, 1। इसकी डिग्री देखिए क्योंकि 1, 2, 3, 4, इसकी डिग्री आएगी 1, यहाँ पे आएगा 1। इसकी डिग्री देखिए 1, 2, 3, इसकी कितनी आएगी, 1, 2, इसकी भी 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे देखिए 2, 3, 3, 2, 2, 1, 1। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1, 4, 1, 3, 1, 2, 2। यहाँ पे एक वर्टेक्स देखिए ग्राफ G2 जो है वहाँ पे एक वर्टेक्स ऐसा है जिसकी डिग्री कितनी आ रही है, 4 आ रही है। लेकिन आप ग्राफ G1 में देखिए तो यहाँ पे एक भी वर्टेक्स ऐसा नहीं है जिसकी जिसकी डिग्री कितनी है, 4 है, राइट। तो यही पे हमको पता चल जाता है कि दोनों ग्राफ से आइसोमॉर्फिक नहीं है, राइट। देखिए यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख के देती हूँ, वर्टेक्स अपने ग्राफ G1 में कौन कौन से वर्टेक्स है, ए बी सी डी ई एफ और जी। ए की डिग्री कितनी आ गई है, 2। बी की 3 है, सी की 2 है, डी की 2, ई की 3 है, 3, यू की डिग्री है 2, और वी की डिग्री कितनी है, 2। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए ये तो डिग्री लिख लिया हमने, राइट, बट यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे वर्टाइसेस जो होता है ना, वो यहाँ पे इस वर्टाइसेस के साथ हमें मैपिंग करना रहता है। तो ये जो डिग्री रहे ना वो सेम होनी चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक भी वर्टेक्स ऐसा नहीं है जिसकी डिग्री 4 है, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इन ग्राफ G2 देर इज वन वर्टेक्स Q ऑफ डिग्री 4, बट इन G1 देर डज नॉट एग्जिस्ट सच वर्टेक्स, देयरफॉर G1 इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू G2। आगे समझ में, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे सेम डिग्री रहती तो हम यहाँ पे इन वर्टाइसेस से मैपिंग करते इन वर्टाइसेस के साथ, लेकिन यहाँ पे मैपिंग हो ही नहीं सकेगी क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिग्रीज है, राइट। देयरफॉर हमने क्या बोला कि दोनों ग्राफ्स जो है वो आइसोमॉर्फिक नहीं है। आई होप कि आपको एग्जांपल समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।